ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं लेवलिंग, है ना। अब इसका जो है सबसे पहला स्टार्ट बेसिक देखते हैं ना कि ये कैसे करते हैं, इसका क्या होता है। तो लेवलिंग जो है उसमें हम लोग, जिससे पहले भी डेफिनेशन जो फर्स्ट यूनिट में ही हम लोग पढ़े थे सर्वेइंग लेवलिंग इन सब का डेफिनेशन, तो उसमें हम लोग जाना था कि लेवलिंग में जो है वर्टिकल मेजरमेंट्स देखते हैं, है ना। मतलब किसी पॉइंट से कोई अगला पॉइंट कितना ऊंचा है या कितना नीचा है वो हम लोग जानते हैं, है ना। तो मान लो कि हम लोग की जहाँ पे है कोई ग्राउंड ऐसा है इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का कोई ग्राउंड है, उसमें जो है अलग अलग जगहों पे हम लोगों को बताना है कि इसका किस पॉइंट से कौन पॉइंट कितना ऊंचा है या नीचा है, है ना। इसका हम लोग को लेवलिंग करना है, मान लो ये कितना ऊपर नीचे है ये सब बताना है। तो आपको किसी रेफरेंस से बताना होता है ना, कि इस पॉइंट के, मान लो कि ये पॉइंट है, इसके हिसाब से बताइए इस पॉइंट, यहाँ पे कोई जगह है, मान लो कि ये किसी बिल्डिंग का ये बेसमेंट होगा या कुछ भी होगा, कोई पॉइंट होगा, इसके रेस्पेक्ट में आपको बताना होगा कि ये पॉइंट कितना नीचे है या ये पॉइंट कितना ऊपर या ये पॉइंट कितना नीचे है, ये कितना नीचे है, ये सब बातें जो है हम लोग को बतानी होती है, ठीक है। यही जानना होता है लेवलिंग में, है ना, कि वर्टिकल डिस्टेंसेस किसी पॉइंट से किसी अदर पॉइंट का कितना है। तो उसके लिए इसको जानने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो मेनली यूज़ होता है, उसको हम डंपी लेवल बोलते हैं। ऐसे अदर भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, ऑटो लेवल, टिल्टिंग लेवल, वाई लेवल, ऐसे बहुत सारे हैं, सब में लेवल लेवल लगा रहता है। तो लेवल कहीं पर भी लिखा रहा है तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो आप समझ जाएं कि वो कोई लेवलिंग में यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो कोई डंपी लेवल है मान लो, तो वो ट्राईपॉड पे जो है, ट्राईपॉड ऐसे होता है, वो रखा रहता है। उसका मेजर पार्ट जो होता है वो उसका टेलीस्कोप होता है, ये जो दिख रहा है ये ट्राईपॉड है और उसका ये टेलीस्कोप, ये मेजर पार्ट होता है। तो टेलीस्कोप के थ्रू क्या हो सकता है कि हम देखते हैं, है ना। टेलीस्कोप में एक देखने का लाइन होता है ऐसे, इधर से मान लो इधर से देख रहे हैं तो इस तरफ देख सकते हैं ऐसे बहुत दूर तक, और ये जो लाइन होता है ये एकदम हॉरिजॉन्टल होगा, है ना। ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन होगा फिलहाल कुछ दूर तक के लिए, तो ये स्ट्रेट ही होगा, है ना। और इसमें जो है इसका, इसको अगर ये चेक करना है कि इसका लाइन हॉरिजॉन्टल हो, मतलब ये जो अपना टेलीस्कोप जो है हॉरिजॉन्टल हो, ये चेक करने के लिए एक बबल ट्यूब जो है इस टेलीस्कोप के साथ ही अटैच होता है। तो बबल ट्यूब का बबल जो है अगर इसके सेंटर में है अपने आप में, तो इसका मतलब ये जो है ये एकदम हॉरिजॉन्टल है ना, कोई चीज़ जो है जैसे ये पेन एकदम हॉरिजॉन्टल है। जैसे ये थोड़ा तिरछा होगा तो बबल नीचे भाग जाएगा या ऊपर भाग जाएगा, फिर ऐसे होगा तो बबल फिर जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो बबल एकदम बीचों बीच में होगा इसके, बबल ट्यूब के, ठीक है। तो इससे ये हॉरिजॉन्टलिटी चेक हो जाती है इस बबल ट्यूब की हेल्प से। तो अब अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो इससे देखने का जो रास्ता होगा, ये जो है ये लाइन एकदम हॉरिजॉन्टल होगा, ये लाइन एकदम हॉरिजॉन्टल होगा, और इससे जब देखते हैं तो एक डायग्राम ऐसा बना होता है, ऐसा जैसे बंदूक गोली चलती है तो फिल्म में देखते हो कि ऐसा बना होता है मार्क, है ना, इसी के थ्रू जो है दिखता है। और इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो हम लोग उसके थ्रू हम लोग देखते हैं, है ना। गोली चलती है तो एकदम यहाँ पे जाके लगता है, ये मान के चलते हैं। तो ये उसका उसका लाइन है, ऐसे ही देख रहे हैं हम लोग, इधर देखेंगे तो इधर, इसको घुमा के अगर इसको ऐसे घुमा के इधर देखेंगे तो इधर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया मान लो, ठीक है। अब क्या है कि अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो, ऐसा कोई स्टाफ हो या रॉड हो जिसपे इसका मार्किंग किया हो कुछ, ऐसे मान लो कि कोई रॉड हो ऐसा, है ना, और उस पर मार्किंग किया हो, जैसे यहाँ पे जीरो लिखा हो, ये जीरो और आगे कुछ कुछ ऐसा ऐसे ऐसे करके मार्किंग ऊपर से लेकर नीचे तक किया हो, डिस्टेंस के हिसाब से, इतना उसका ऊंचाई है उतने हिसाब से, ठीक है, मार्किंग किया हो। तो अगर ये इसको हम वर्टिकली रखेंगे, अगर यहाँ पे मान लो, तो ये जो लाइन है इस लाइन का हाइट इस पॉइंट के हिसाब से कितना होगा, जो ये रीडिंग दिखाएगा यहाँ पे टेलीस्कोप से जो रीडिंग नजर आएगा उतना ही हाइट होगा, इसके रेस्पेक्ट में इस लाइन का हाइट उतना ही ना होगा जितना ये रीडिंग दिखाएगा, क्योंकि तो यहाँ पे जीरो होता है और ऊपर बढ़ता हुआ रहता है, जितना भी हाइट होगा वो लिखा रहता है इसमें मेंशन, तो ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इस पॉइंट से इस लाइन का हाइट निकल जाएगा, ठीक है, वो निकल जाएगा। अगर कोई हमें दूसरा पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट का हम लोग को जानना है कि इससे ये कितना नीचे है, तो क्या करते हैं कि इसी वाले जो रॉड है, ये जो स्टाफ है, इसको लेवलिंग स्टाफ बोलते हैं ऐसे, है ना, तो इसी को उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं,
इसी को यहाँ पे एकदम वर्टिकली ऐसे खड़ा करके रख देंगे, ठीक है। तो अब तक देखो इससे इस लाइन का हाइट हम लोगों को पता चल चुका है। अब जो इस पॉइंट पे ये रीडिंग बताएगा, इसी स्टाफ उठा के यहाँ पर रख दिए हैं, अब जो ये इस धरती की इस जगह पर इसको रख के जो रीडिंग बताएगा, अगर ये रीडिंग माइनस कर दे, इस हाइट से ये माइनस कर दे, तो ये इस पॉइंट का लेवल बता देगा। देखो फिर से समझो कि अगर जो है हम यहाँ पे इस पॉइंट का लेवल मान लो इसका कि जीरो लेवल है ना, इसी के रेस्पेक्ट में जानना है इसका लेवल जीरो है, तो इसमें जो है ये हाइट जोड़ दिए हम, तो इस लाइन का हाइट पता चल गया, उसमें से इतना माइनस कर दिए है ना, तो इस पॉइंट का लेवल पता चल जाएगा, इतना अप किए और इतना डाउन कर दिए, तो इससे ये कितना नीचे है ये पता चलना जाएगा हम लोग को, है ना। ये बात समझ रहे हो, इस पॉइंट से ये कितना नीचे है ये पता चल जाएगा। मान लो कि यहाँ पर रीडिंग आया होगा कि 1.25, मान लो यहाँ पे 1.25 आया होगा और यहाँ पे आ गया होगा ये रीडिंग जो है 2.25, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कितना नीचे है, इसका लेवल अगर जीरो है तो इसका कितना हो गया होगा, वन हो गया होगा ना, इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं इसमें, है ना। इसका आर एल अगर जीरो तो इसका इसका लेवल जो हो गया होगा, इसका लेवल कितना हो गया होगा, वन हो गया होगा, 1.0, क्योंकि हम जो है इस लाइन ऑफ साइट के हेल्प से इसका जीरो तो इस लाइन का हाइट हो गया 1.25, है ना, ये ऐड कर दिए 0 + 1.25 और उसमें से ये चीज़ घटा दिए तो इस जगह का हमको लेवल पता चल गया, तो वो पता चल गया 1। तो एक्चुअली में हम इसको जब जोड़े होंगे तो ये इसका हाइट पता चला होगा 1.25 और उसमें से घटाएं 2.25 तो ये -1 हुआ होगा, है ना, -1 आया होगा, तो ये पता चला कि इससे ये पॉइंट जो है 1 पॉइंट नीचे है। तो इसीलिए क्या होता है एक्चुअली में, इस पॉइंट को जो है हमेशा जो एज्यूम करते हैं जीरो, ये जीरो ना एज्यूम करके हम 100 मीटर एज्यूम कर लेते हैं, उससे क्या होगा कि निगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, कोई भी अदर जगह का जो है 100 मीटर ऊपर नीचे किसी भी ग्राउंड में कम ही होता है ना, कहीं भी किसी जगह साइट पे हम छोटा मोटा अगर साइट है तो सिविल इंजीनियरिंग साइट जो है तो उसका जो है 100 मीटर से ज़्यादा अप डाउन नहीं होता है। तो इसको अगर 100 मान लेते हैं, जनरली 100 ही इसलिए माना जाता है कि इसका लेवल अगर 100 है तो इसका 99 आ गया होता, क्योंकि अगर इसका 100 है ये रीडिंग ऐड किए हैं तो ये इसका लेवल कितना हो गया, 101.25 हुआ ना, उसमें से ये 2.25 घटा दिए तो ये आ गया होगा हम लोग को कितना, 99 आ गया होगा, ठीक है। तो इस हाँ आ गया होगा ना 99। देखिए तो इस चीज़ को क्या होता है, इसको बोला जाता है, ये जो लेवल लिखा हुआ होता है इसको 100 मान लिए, इसको बोलते हैं RL, रिड्यूस्ड लेवल, ठीक है ना। यहाँ पे भी ये जो आया इसे अब -1.5 100 के रिस्पेक्ट में ये 99 आया होगा, तो ये भी जो है RL है, रिड्यूस्ड लेवल है, R और L, रिड्यूस्ड लेवल बोलते हैं इसको, लेवल है रिड्यूस्ड। तो अब ये रिड्यूस्ड लेवल इसका क्यों नाम है, क्योंकि कभी भी आप देखे होगे स्टेशन पे गए होगे तो उस स्टेशन का लेवल जो है बताया होगा समुद्र तल से औसत ऊंचाई इतनी मीटर लिखा रहता है ना। हाँ तो स्टेशन पे या और बहुत सारे जगह पे नहर वगैरह भी का जो ये बना रहता है कैनाल वगैरह, उसमें भी बहुत जगह जहाँ पे सीमेंटेड रहता है वहाँ पे एक जगह बेंच मार्क लिख के उसका आर एल लिखा रहता है लेवल, कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई इतना, MSL उसको बोलते हैं, MSL मतलब मीन सी और लेवल, है ना, मीन मतलब औसत है ना, सी मतलब समुद्र, लेवल मतलब लेवल, मतलब समुद्र तल से औसत ऊंचाई, मीन सी लेवल से उसकी ऊंचाई वहाँ पे बताई रहती है ना। तो जो सर्वे डिपार्टमेंट है इंडिया का, तो वो पूरे इंडिया में बहुत सारे जगहों का जो है समुद्र तल से ही लेवल निकाला हुआ रहता है, समुद्र तल का जो औसत लेवल होता है उसको जीरो मान लेता है, उसके रेस्पेक्ट में बहुत सारे जगह पर जैसे रेलवे स्टेशन पे और इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है उसमें बहुत सारे रोड पे लेवल लिखा रहता है, तो उसके समुद्र तल से जो लिखा रहता है तो वो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ वैल्यू अगर मान लो कि पता होता हम लोग को तो हम लोग वही चीज़ लिखते है ना। मान लो कि इस जगह पर का समुद्र से लेवल हम लोग को पता होता तो हम लोग वो आर एल लिख देते, अगर नहीं पता है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं कि धर जो आप किसी भी साइट का सर्वे करें लेवलिंग जाने तो समुद्र तल से ही रेस्पेक्ट में जाने, ये ज़रूरी नहीं होता है, बस हमको पता करना होता है किस पॉइंट से कितना ऊंचा नीचा ये जानना होता है। तो जो है
समुद्र तल से वाला बात को हम लोग साइड कर देते हैं, अपने से मान लेते हैं कि 100 मीटर इसका जो है आरएल है, मतलब समुद्र तल से मान लेते हैं कि से अगर 100 होता तो बाकी जगहों का लेवल क्या होता। ठीक है, ये बात समझ रहे हो? अगर समुद्र तल से किसी जगह ऊंचाई से आप कॉलेज का तुम अपना सर्वे करना चाह रहे हो तो कॉलेज के पास पास तो कोई ऐसा चीज नहीं है जिसका आरएल समुद्र तल से लिखा हो, पता हो, किसी गवर्नमेंट विभाग ने ऐसा करके लिया है। तो वहां पे क्या करते हैं, हम अपने से या तो 0 मान लो या 100 मान लो, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी आरएल मान लेते हैं, है ना। ऐसे बेंचमार्क जो है, बीएम बोलते हैं उसको, बेंचमार्क, ये जो है गवर्नमेंट वाले बहुत सारे जगह पे बनाए रहते हैं और उसका जो आरएल है समुद्र तल से वो मार्क रहता है उसमें, है ना। तो बेंचमार्क बोलते ही है वैसे जगह को जिसका आरएल जो है नोन हो, उसका आरएल मार्क। नया नया वर्ड हो रहा है, इसको ध्यान दो, बेंचमार्क उसको बोलते हैं, बेंचमार्क बना हुआ है उसका आरएल पता होता है। लेकिन अगर आप सर्वे करने आए हैं, मान लो कि इस साइड का, इस धरती का ये बता रहे हैं कि इसका हम लोग को लेवलिंग करना है, हम लोग किस कोई जगह का बेंचमार्क नहीं पता है, आरएल पता ही नहीं है, तो हम अपने से एज्यूम कर लेते हैं किसी पॉइंट को कि इसका ये हम लोग का बेंचमार्क होगा, इसी के रेस्पेक्ट में हम पूरा सर्वे करेंगे और उसका लेवल है 100 मीटर, उसके रेस्पेक्ट में हम बाकी सारे पॉइंट का कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आई हम लोग को, तो ये आरएल और ये बेंचमार्क वाली बात थी। अब देखिए क्या होता है कि इसका जो प्रिंसिपल हम लोग क्या देखें, लेवलिंग करने में उसने क्या यूज़ किया, इस इंस्ट्रूमेंट का काम था, ये जो ये वाला इंस्ट्रूमेंट था डंपी लेवल, है ना, या कोई भी लेवल, इसका काम था एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोवाइड करना जिसके रेस्पेक्ट में जो है हम लोग लेवलिंग करेंगे। और इस जो ये स्टाफ था इसको बोलते हैं लेवलिंग स्टाफ, लेवलिंग स्टाफ। इसका काम था कि धरती से ऊंचाई बताना कि उस जगह पे इस लाइन से धरती का क्या डिफरेंस है, हाइट का क्या डिफरेंस है वो बताना। तो उसमें 0 से लेकर जनरली 4 मीटर तक का लेवलिंग स्टाफ आता है, कभी आप लोग कॉलेज में के लैब में गए होंगे तो देखे होंगे, है ना, नहीं तो ऐसे भी गूगल करके देख सकते हैं। तो ये वो जो है लेवलिंग, हाँ, तो वो 0 से लेकर 4 मीटर तक और बीच में जो छोटा छोटा एकदम 5-5 mm तक का मार्किंग किया रहता है, तो आप बड़े आराम से रीडिंग पढ़ सकते हो। तो जो भी रीडिंग आएगा समझो कि यहाँ से इसका हाइट बता रहा है ना। तो इसी हेल्प से हम यहाँ से इस पॉइंट का हाइट जैसे पता चल गया, तो इसको जो भी माने होंगे उतना प्लस इतना कर देंगे तो इसका हाइट निकल जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, HI। ये क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि ये जो लाइन ऑफ साइट है ना इंस्ट्रूमेंट का, उसका आरएल, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, आरएल ऑफ लाइन ऑफ साइट, जो हम देखते हैं उस जिस लाइन को देखते हैं, ये कि इमेजिनरी लाइन है, इसका आरएल, इसका लेवल, है ना। ऐसे भी हाई इंस्ट्रूमेंट का हाइट भी उतना ही हुआ, है ना, आरएल के हिसाब से। इसको HI से डिनोट करते हैं, ये सब वर्ड जो है अब दिमाग में बैठाते जाइए, HI, है ना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसको बोले। वो सब डिफिनेशन जो है आपको वो वीडियो बना के भेज दिया गया है, वो देख लीजिएगा, अभी बता देंगे। ठीक है, अभी जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, है ना। तो इस जो हम इसके थ्रू देख रहे हैं जिस लाइन को, ये कि इमेजिनरी लाइन है, ऐसा लाइन है कोई जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, बस ये होता है ना, ऐसे हम देखते हैं। तो इसका जो आरएल आएगा इसमें से ऐड करने के बाद उसको बोलेंगे HI। ठीक है, एक बार HI निकल गया तो आप सारे जगह का आरएल निकाल सकते हैं। इस पॉइंट का आरएल निकालना था तो यहाँ पे स्टाफ रखे हैं, जो भी रीडिंग आया माइनस कर दिए इसमें से, इसके हाइट में से ये हाइट माइनस कर दिए तो इसका आरएल निकल गया। फिर अगला भी मान लो कि इस जगह का हम लोग को आरएल निकालना था तो यहाँ पे वही स्टाफ रखेंगे ऐसे, है ना। अब जो यहाँ पे वो रीडिंग शो करेगा, थोड़ा रीडिंग बढ़ गया होगा यहाँ पर वाला रीडिंग जो वो शो करेगा, तो इस हाइट में से ये माइनस कर देंगे तो इस धरती का इस जगह पर का आरएल निकल जाएगा, है ना। मान लो कि ये आ गया होगा 2.50 मीटर, तो इसका आरएल कितना हो जाएगा, अगर इसको 100 माने हुए हैं तो इसका हाइट कितना हो चुका है, इसका हाइट कितना हो जाएगा, 101.25, यही ना, ये 1.25 है, इसको 100 माने हुए थे तो 100 + 1.25 ये हो गया 101.25, इसका हाइट है, है ना। उसमें से ये डिस्टेंस घटा देंगे तो इस पॉइंट का आरएल निकल जाएगा ना, तो वो हो जाएगा 101.25 - 2.50, ये कितना हो जाएगा बताइए, 98.75, इस पॉइंट का आरएल निकल जाएगा। इसी तरह सिमिलरली हम आगे बीच में भी अगर मान लो कि इस पॉइंट पे भी कोई अगर आरएल पूछा होता यहाँ पर आरएल बताइए, तो वो भी हम यहाँ पे स्टाफ रखते हैं इस जगह पे, और इस पे जो रीडिंग आता, ये रीडिंग जो आता इस हाइट से, इसके हाइट से, लाइन ऑफ साइट के हाइट से, जिसको HI बोल रहे हैं हम लोग,
उसमें से ये माइनस कर देते हैं तो इस पॉइंट का आर एल निकल जाता, ठीक है, निकल जाता ना। हाँ, तो यही प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल लेवलिंग में। और अगर ये चीज़ आप समझ गए हैं तो आपको आगे की चीज़ एकदम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, है ना। मेन इसका यही समझना है कि ये लाइन का क्या महत्व था, है ना, और इस कैसे किसी पॉइंट से शुरू करते हैं। आप एक बार इसका हाइट निकल गया तो हम इस लाइन के लॉन्ग जितने भी पॉइंट हैं सबका आर एल हम निकाल सकते हैं, बस माइनस करते हुए चले जाना है जो जो रीडिंग आएगा, है ना। तो चूंकि इसमें जो है इस ये जो रीडिंग लिए हैं इसका एक महत्व है ना, इसका एक इम्पोर्टेंस ये है कि इस जो इनिशियल पॉइंट होता है उसका जो वैल्यू होता है उसमें से ये वैल्यू जोड़ देने पे एक बार हाइट ऑफ एस्टिमेट निकल जाता है, उसको हम बार बार यूज़ करते हैं, है ना। तो इसलिए इस रीडिंग का नाम जो है, ये जो रीडिंग होता है इसका नाम है BS, बैक और साइड। BS मतलब बैक साइड, बैक से तो बैक समझ रहे हो पीछे की तरफ, साइड मतलब देखना। BS जो है इसको ऐसे लिखते हैं बैक साइड, BACK बैक SIGHT, है ना। मतलब ये जो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है कहीं भी सर पे ये रखे होगे तो पीछे की तरफ एक रीडिंग ले लेते हैं, है ना, या सबसे ये बोलो कि ये पहला रीडिंग होता है, है ना, तो इसलिए इसको हम बैक साइड बोलते हैं। ये जो रीडिंग लिए हैं इसको इसका नाम होगा BS, ठीक है, समझे ये बात। तो HI कितना होगा हमेशा हर जगह पे, HI इक्वल टू होगा पहले जगह का RL, RL1 प्लस BS हमेशा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब इसका जो RL होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो होगा पहले जगह जिसका RL हमको पता है, जैसे 100 है तो 100 प्लस 1.25 कर देंगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाए। हाँ, RL ऑफ बेंचमार्क, इसको 1 लिखो या बेंचमार्क लिख दो, और ये चीज़ समझ गया तो और अच्छी बात है। RL ऑफ बेंचमार्क, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। एक बार हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया तो बाकी जगह का सारा RL होगा, RL इक्वल टू बाकी जगह का RL होगा, वो क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस जो भी रीडिंग आएगा, है ना। यहाँ पे जो रीडिंग आया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से वो माइनस करो तो इस पॉइंट का RL निकल जाएगा। हाँ, तो उसका भी कुछ नामकरण करना चाहिए, है ना, कि वो समझ में आए कि उसका क्या नाम होगा। हाँ, तो उसको हम बोलते हैं फोर साइड, लेकिन फोर साइड जो है किसी एक ही को बोलते हैं, सबको फोर साइड नहीं बोलते हैं, उसका एक वजह है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो जो फोर साइड उसको बोलते हैं जो सबसे लास्ट होता है, आगे की तरफ सबसे लास्ट जो रीडिंग होगा उसको फोर साइड बोलते हैं। अब सबसे लाइट लास्ट का मतलब समझिए, जैसे आपको लग रहा है कि इसका जो कुछ हाइट अगर लिमिटेड है, ये जो हम लोग का ये है स्टाफ जो है इसका 4 मीटर हाइट है, अगर मान लो कि यहाँ पे इस गड्ढे में रख दोगे उसको यहाँ पे, तो ये तो इसका ये जो लाइन ऑफ साइट है ऊपर से पास कर जाएगा, ये तो ले ही नहीं पाओगे रीडिंग, नहीं ना ले पाओगे इसका रीडिंग, इतना ऊपर से चला जाएगा। तो इस जगह का अगर हमको लेवल लेना है तो इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर रख के पॉसिबल नहीं है, आपको इंस्ट्रूमेंट को नीचे लाना होगा, है ना, या इसके करीब ले जाना होगा। तो एक ही बार एक जगह पर इंस्ट्रूमेंट रख दीजिए पूरा लेवलिंग हो पाए, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो लास्ट रीडिंग हम लोग लेते हैं, जब मान लो कि ये लास्ट रीडिंग हुआ, उसके बाद कोई भी जगह है जो है यहाँ पर रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं, इसके नीचे जो है कोई भी रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं, इस लास्ट रीडिंग को FS बोलते हैं, फोर साइट। फोर मतलब आगे वाला, आगे की तरफ से लास्ट जो साइट होगा उसको हम बोलेंगे फोर साइट, FS, याद रखिए। इसको BS बैक साइट, पहला वाले को BS और दूसरा वाले को FS, समझ में आ रही बात। और बीच में अगर इन दोनों के बीच में अगर और भी, जैसे ये वाला एक रीडिंग लिए, एक वाला ये रीडिंग, और भी कोई रीडिंग होता है कि यहाँ पर रीडिंग लेते हैं, कि यहाँ पर रीडिंग लेते हैं, मानो इससे धरती के इन सारे पॉइंट का हम लोग को रीडिंग निकालना था कुछ कुछ दूर पे, तो वो जितना भी रीडिंग लेंगे उन सबको जो हम IS बोलेंगे, इंटरमीडिएट साइड, IS, यहाँ भी इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट साइड। ये सब रीडिंग के वैल्यू को बोलते हैं, है ना। यहाँ पे BS जो है ये रीडिंग आया उसको वैल्यू को बोलेंगे, यहाँ पे जो IS होगा वो ये जो रीडिंग आया उस वैल्यू को बोलेंगे, है ना। यहाँ पे भी IS इस वैल्यू को बोलेंगे, FS इस वैल्यू को बोलेंगे, समझ में आया FS IS BS क्या हुआ, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब इस वाले केस के लिए यहाँ पे इसका भी हम लोग को निकालना था, है ना, मान लो कि इस पॉइंट का भी हम लोग को लेवलिंग जानना है, इंस्ट्रूमेंट को हटा के यहाँ पे लाना होगा, तो इंस्ट्रूमेंट को हम उठा के लाएं कहाँ पे, यहाँ पे इस जगह पे। तो मान लो कि इंस्ट्रूमेंट को हम ऐसे सेट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या होगा कि अब कि ये है कि आपको एक रेफरेंस चाहिए होगा हमेशा, जैसे इस पॉइंट का रेफरेंस आप 100 माने हुए हो ना, अब पूरे को इसी के लेवल में करना है, तो हमें एक फिर नोन वाला आर एल चाहिए,
जिसके रेस्पेक्ट में आप एच आई निकाल लीजिएगा। तो इस पॉइंट का आर एल तो निकला हुआ है ना, लास्ट पॉइंट का आर एल निकला हुआ है। तो आप अभी जो है पहला रीडिंग जो है जिसको बैक साइड आप बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद जो पहला रीडिंग होता है बैक साइड, वो जो लास्ट रीडिंग जिस पे लिए थे, जिसको एफ एस बोले थे, जिस पॉइंट पे लिए थे, उसी पे आप बैक साइड ले लीजिए। अब ये जो रीडिंग हुआ ना, ये जो मान लो ये जो रीडिंग लिए, ये इस सेटअप के लिए, इंस्ट्रूमेंट के इस सेटअप के लिए, अगला सेटअप के लिए ये बैक साइड कहलाएगा, ठीक है। अब वो उसी वाले पॉइंट पे लेते हैं जहाँ पे आप लास्टली एफ एस लिए थे, फोर साइट लिए थे, जहाँ पे मतलब इंड किए थे, है ना, जो रीडिंग लेके इंड किए थे। तो यहाँ तक का आर एल हम लोग को पता चल गया था। अब क्या होगा कि एक बार इस जगह पर इंस्ट्रूमेंट रख के या यहाँ पर जो रीडिंग लोगे, बैक साइड जो आया, तो इस आर एल में से ये बैक साइड ऐड कर दोगे तो ये एच आई निकल जाएगा, इसका एच आई, ये समझ रहे हो, ये एच आई नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, हाँ ठीक है, एक आदमी को प्रॉब्लम हो सकता है, अपना फ्लाइट मोड ट्राई करो, ठीक है। तो ये जो है एच आई जो है, मान लो कि दूसरा एच आई हो गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा ना, उठा के लाओगे यहाँ पे, तो ट्राइपॉड को इतना थोड़ी है कि जहाँ पे इतना फैला, जहाँ पे रहा होगा यहाँ पे उतना ही फैला होगा। मान लो कि तुमने सटा दिया तो ये हाइट बढ़ जाता है ना, लेवल भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा वो हो जाएगा इस पॉइंट का आर एल, है ना, लास्ट पॉइंट का आर एल प्लस ये जो बी एस जो है दोबारा जो लिए हो गए, ये बी एस, ये बैक साइड, उसमें जोड़ देंगे तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया। एक बार इसका फिर से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया तो आप सारे पॉइंट का जो है आप आर एल निकाल सकते हो। जैसे इसका आर एल निकालना है, एक बार हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया है, अब ये रीडिंग जो लेके हम इसको माइनस कर देंगे इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से, तो इसका आर एल निकल जाएगा। समझ रहे हो ये बात? आगे भी कोई पॉइंट का आर एल निकालना होगा तो यहाँ पे हम ये इस इंस्ट्रूमेंट को, ये जो स्टाफ है इसको रखेंगे, इस पे मार्किंग होता है, ये जो मार्किंग रीडिंग रीड करके बताएगा, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकला हुआ है उसमें से ये माइनस कर देंगे तो इस जगह का, धरती के इस पॉइंट का आर एल निकल जाएगा, लेवल पता चल जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में, जिसको 100 माने हुए थे, 100 के रेस्पेक्ट में पता चल जाएगा। मान लो कि ये कुछ आ जाएगा 90, है ना, या 91, कुछ भी आ जाएगा, 90.25 मान लो आ गया, तो हमें पता चल जाएगा ना कि 100 से ये इतना, ये 10 मीटर या 9.75 मीटर नीचा पॉइंट है ना। तो इस तरह से करके हम लोग लेवलिंग करते हैं, ठीक है। तो एक बात जो आपको ध्यान देने वाला था, इंटरेस्टिंग जो पॉइंट होता है, ये जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या है कि उसी पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने से पहले फोर साइट लिए थे, इंस्ट्रूमेंट को उठाने के बाद जो है दोबारा सेट करने के बाद उसी जगह पे हम बैक साइट लेते हैं, है ना, दोनों अलग अलग रीडिंग है, अलग अलग वैल्यू होगा। हाँ, तो इस पॉइंट को, धरती का ये जो पॉइंट है जहाँ पे आप लास्ट रीडिंग लिए हो एक सेटअप का और दूसरे सेटअप का पहला रीडिंग लिए हो, उसको हम लोग बोलते हैं चेंज पॉइंट, CP, ये है चेंज पॉइंट। चेंज पॉइंट मतलब यहाँ पे चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट भी बहुत जगह लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा, है ना, चेंज पॉइंट ऐसे इसका नाम है। तो यहाँ पे अब पूछा जाएगा आपको कि चेंज पॉइंट वो ऐसा कौन सा जगह होता है जहाँ पे फोर साइड और बैक साइड दोनों लिया जाता है, तो आपको बताना होगा वो चेंज पॉइंट होता है। कोई बोले कि एक्सप्लेन कीजिए क्यों, तो आप बताओगे क्योंकि एक सेटअप में उसका आर एल निकला हुआ होता है, तो अगला सेटअप में उसी आर एल के हेल्प से हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं तो हम बाकी काम आगे कर पाते हैं, इसलिए जो है उसी जगह पर बैक साइड लेते हैं, है ना, ये बात समझे? हाँ, इसीलिए इसका खास नाम जो है, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के पहले लास्ट जो रीडिंग लेते हैं उसका नाम एफ एस रखा गया, फोर साइड मतलब आगे की तरफ लास्ट रीडिंग होगा, बाकी जो भी रीडिंग होगा इंटरमीडिएट साइड, इसमें भी बाकी जो ये बैक साइड ले लिए और ये सब जो रीडिंग होगा उसको इंटरमीडिएट साइड, और जो लास्ट रीडिंग यहाँ पर भी होगा, मान लो आगे ऐसे ढलान है तो लास्ट पॉसिबल जो जगह होगा जहाँ पर रीडिंग लोगे उसका जो रीडिंग आएगा वो फोर साइड हो जाएगा, है ना। तो ये है पूरा इसका थीम कि इस बेस पे हम लोग करते हैं, है ना, ये समझ में आ गया तो आगे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखोगे इस बीएस को हमेशा जो है ऐड करते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए, इसके आरएम में से बीएस ऐड कर देते हैं तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाता है ना, इसलिए इसको जो है हम लोग पॉजिटिव रीडिंग भी बोलते हैं या पॉजिटिव साइट भी बोलते हैं, है ना, प्लस साइट इसको हम लोग, हाँ इसको हम लोग प्लस साइट भी बोलते हैं। और ये जो एफ एस है या ये जो आई एस सी सब है, ये सब हमेशा जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इसको घटाना पड़ता है ना, घटाना पड़ता है ना, इसलिए इसको हम लोग माइनस साइड भी इसको बोलते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता भी है, ये चूंकि हमेशा घटाने के काम में आता है इसलिए हम इसको माइनस साइड बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ये बात, ठीक है। एक और बात ध्यान दीजिए, देखिए कि अगर मान लो कि यहाँ पे कोई ऊंची ऐसी बिल्डिंग हो, ये बिल्डिंग है ना,
या कोई टावर है जिसका ये छत का ये इन पॉइंट है, इसका हाइट हम लोग को जानना है। तो इंस्ट्रूमेंट को जो है आप वहाँ तक तो नहीं ले जा सकते हो उठा के उतना ऊपर, इसे नीचे वाला पॉइंट ना हम लोग जान सकते हैं कि धरती जो बिल्डिंग है इसके नीचे जहाँ पे शुरू हुआ है, जहाँ पे बेसमेंट है इसका, इसका हाइट हम बता सकते हैं इस मेथड से, उसके छत का हाइट नहीं बता सकते हैं। एक तो ये है कि इसका ये डिस्टेंस मेज़र कर लो, है ना, अगर ये डिस्टेंस मेज़र करने में दुविधा हो रही है नहीं कर सकते हो तो एक ये तरीका होता है कि ये जो लेवलिंग स्टाफ है इसको उल्टा लटका दो, ऊपर में इसका 0 पॉइंट कर दो और 4 मीटर वाला पॉइंट नीचे कर दो, इसको उल्टा लटका के और तब देखिए क्या रीडिंग बता रहा है। मान लो कि रीडिंग आया 3.5, है ना, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये 3.5 ऐड कर देंगे तो ये बिल्डिंग का हाइट पता चल जाएगा, पता चल जाएगा जी। हाँ, तो अक्सर क्या करते थे कि इन सब रीडिंग को घटाते थे, लेकिन अभी जोड़ना पड़ गया है ना, तो ऐसा में क्या करेंगे, लिखने के टाइम में ही लिख लेते हैं कि ये रीडिंग निगेटिव रीडिंग है। ऑलरेडी आप निगेटिव लिखोगे और उसको घटा दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपने आप जुड़ जाता है, ठीक है। तो अभी ये सब कॉम्प्लिकेशन में हमको नहीं जाना है, आगे ये सब बात अभी बहुत पढ़नी है ना, टेक्निकलिटीज इसमें जो पढ़नी है, अभी कॉन्सेप्ट हम लोग को जानना है कि ये सब किए कैसे। ये बात समझ में आ गया होगा, होप।